नमस्कार नमस्ते पूजा जी आई क्योंकि आपको बुलाना एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए अच्छा। <laughs> anyway, <साहिए। laughs> बहुत, बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए मैं आपका एक ही घंटा मैंने जैसा कहा था कि घंटे का है तो एक घंटे के अंदर ही खत्म कर दूंगी तो साहिल आप तो बहुत फेमस यूट्यूबर हो गए हो बहुत सारी आपको रेफरेंसेस हैं क्योंकि आपने हाल ही में छोड़ा है ना इस्लाम अपने शायद आई थिंक थ्री इयर्स हो गए आपको छोड़े हुए इस्लाम ऑलमोस्ट हाँ, so you were always आप जुड़े हुए थे इस्लाम से till you left till you started तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे अभी इस क्या मतलब started what started bothering you कि आपको ऐसा लगा कि ये चीज अब मुझे समझ में नहीं आ रही है and I don't want to follow this ऐसे कौन सा आपको क्या वाकया हुआ आपके साथ जी जी पूजा जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे जी. मौका दिया अपने चैनल पर जी. और आपके सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से नमस्कार आदाब, प्रणाम सलाम सत देखिए, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हूँ अभी आ, और कोई बड़ी पर्सनालिटी भी नहीं हूँ एक आम इंसान हूँ सभी लोगों की तरह कई लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैं पहले मुस्लिम था और काफ़ी हद तक मैं इस्लाम को प्रैक्टिस करता था पांच टाइम की नमाज भी पढ़ता था रोज़े रखता था और साथ ही साथ मैं दीन का दीन की दावत भी देता था डॉक्टर जाकिर नायक एम जो है उनका मैं फ़ैन था और अच्छा। जो डॉक्टर जाकिर नायक एम का फ़ैन होगा या उनको पसंद होगा तो वो किसी ना किसी तरीके से उनके तरीक़े को अपनाने की कोशिश करेगा और लोगों में इस्लाम की दावत देने की कोशिश करेगा तो इसी तरीके से मैं भी करता था जब मैं टीन में पहुंचा तब मेरा जो इंटरेस्ट है इस्लाम में वो बहुत ज़्यादा हो गया हालांकि इससे पहले जो है इतना इंटरेस्ट मेरा इस्लाम में नहीं था लेकिन नहीं। उसके बावजूद चूंकि मेरा घर जो है वो थोड़ी रिलीजियस फैमिली थी तो हम नमाज नमाज पढ़ते थे घर वाले भी पढ़ते थे आज भी पढ़ते घर वाले और बाकायदा अगर समझो नमाज अगर छूट जाती कोई बचपन में तो घर वाले उस पर डांट भी देते ताकि नमाज की एक आदत लगी रहे और यही हाल होता है हर मुस्लिम फैमिली का जो थोड़ी बहुत रिलीजियस होती है उसमें भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं मुसलमानों में भी मुसलमानों की अक्सरियत जो है अगर वो देखें आप तो वो नमाज नहीं पढ़ती है पाँचों टाइम की उसमें से अक्सर लोग जो है वो जुमा वाले होते हैं फ्राइडे वाले होते हैं और कुछ लोग जो है वो ईद वाले होते है, हैं सिर्फ ईद में नमाज़ पढ़ते और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ईद में भी नमाज नहीं पढ़ते तो बहुत कम लोग जो है वो पांच टाइम के नमाजी होते हैं मुसलमानों में और मैं उनमें से था मेरी फैमिली उनमें से थी अब जब मैं दीन की दावत देता था तभी चैट्स होते थे याहू चैट हो गया औरकुड और था और फिर कई सारे फोरम्स थे जहाँ पे मैं इस्लाम की दावत देता था तो उसमें क्या होता है कि आप अगर इस्लाम की दावत देते हो और ख़ास करके आप गैर मुस्लिम में दावत देते हो हिंदूस को देते हो क्रिश्चनस को देते हो तो कहीं ना कहीं आपको उनको बताना पड़ता है कि इस्लाम जो है वो सबसे सुपीरियर है और इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जो अल्लाह जो अल्लाह खाली के कायनात है हमारा खुदा है वो उसको एक्सेप्ट करता है उसके अलावा कोई चारा नहीं है अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं हैंत दीना हिंदा इस्लाम यकीनन जो है वो अल्लाह के पास या अल्लाह अल्लाह को जो एक्सेप्टेबल रिलीजन है वे ऑफ लाइफ है वो इस्लाम है और अगर आप इस्लाम के अलावा अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया अल्लाह की वाहदानियत को कबूल नहीं किया तो को आपने नहीं माना और रसोल्ला की रिसालत को नहीं माना तो आप अगर इसी हाल में आप मर जाते हैं यानी कुफ्र के हाल में आप मर जाते हैं आप एक काफ़िर है और आपको मौत आ जाती है तो आप हमेशा 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 जहन्नम में जलेंगे बल और अगर आप दूसरी साइड देखें तो जो मुसलमान होता है वो उसके दिल में अगर राय बराबर भी अगर ईमान है तो अच्छा, एक ना आ, एक दिन जी एक ना एक दिन वो जन्नत में ज़रूर जाएगा आप अच्छा, चाहे कितना भी गुनाह कर लो आप गुनहगार है आपने बड़े बड़े गुनाह किए लेकिन आपने तोबा कर ली उन गुनाहों आ, की या फिर ऐसा भी होता है कि आपने तोबा नहीं भी की है लेकिन अगर अल्लाह सुबहान तला को आपकी कोई एक अदा पसंद आ जाए तो हो सकता है आपको अल्लाह जहन्नम में डाले बगैर आपको जन्नत दे देगा तो ये कॉन्सेप्ट इस्लाम का है और मैं भी इसी को मानता था और मैं लोगों को दावत भी देता था तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को आपको कि जब आप किसी दूसरे मजहब वालों को इस्लाम की दावत देते हो और आप ये कहते हो कि इस्लाम ही सच्चा है तो कहीं ना कहीं आप उसको साबित करने की कोशिश करते हो या उसको बताते हो कि आप जिस मजहब को मान रहे हो वो गलत है आपका तरीका गलत है तो अब होता यह है कि अगर आप किसी को इस्लाम यानी उसका मजहब अगर आप उसमें फॉल्ट दिखाओगे कि ये ये प्रॉब्लम है आपके मजहब में आपका मजहब भी यही कहता है एक खुदा की आपको पूजा करना है एक ईश्वर की पूजा करना है आ, फिर सिर्फ इतने पे नहीं रुकता ना आदमी के भाई ठीक है चलो आप भी एक ईश्वर की इबादत करो इतने में नहीं रुकता इंसान फिर वो कहता है कि एक ईश्वर की इबादत तो करना है लेकिन वो एक ईश्वर जो है वो अल्लाह ही है और उसके साथ साथ रसूल को आपको रसूल और नबी आखिरी रसूल आखिरी नबी आपको मानना पड़ेगा तो जब आप ये चीजें बताते हो लोगों को तो बहुत से बार क्या होता है कि वो इंसान आपको आपके अंदर जो गलतियां है या जो कमियां है वो आपको बताता है तो मेरे सामने भी ऐसी होता था क्योंकि मैं फोरम्स में मोस्टली डिस्कशन करता था आ, तो वो तो बहुत वास्ट होता है ओपन होता है तो उसमें कई सारी चीजें मेरे नज़र के सामने आती थी लेकिन चूंकि ईमान अगर किसी का बहुत ज्यादा मजबूत है तो ये सब चीजें आती है थोड़ा डाउट रहता है उसके बाद फिर वो ईमान जो है वो गलबा कर लेता है आपके ऊपर और फिर आप एक मोमिन ही रहते हो तो ये मामला तो चल ही रहा था और उसके साथ साथ जो है मैं पहले तबलीगी था जो जमात वमात में जाते हैं मैं एक ही बार जमात में गया हूँ लेकिन जमात का जो सिस्टम था या जो तबलीगी या देवबंदी आप कह लीजिए जो फ़िरका है वो मुझे सही लगता था लेकिन जब मैंने टीन में जब मैं कॉलेज में था तो मेरे सामने कई सारे जो सलफ़ी मौलाना है अहल हदीस मौलाना है जैसे शेख मिराज रब्बानी है शेख रहमान है इस तरीके के मौलानाओं के बयान जो है वो मुझे एक दोस्त देने लगा सी की शक्ल में तभी सी चलती थी तो वो मैं सुनने लगा और आ, मुझे ऐसा लगा कि ये जो फिरका है हदीस फिरका सलफी फिर यही फिर नाजिया कहते हैं उसको यानी जो सबसे सही वाला फिरका है तो मैं उसमें चला गया और उसके बाद फिर लोगों को यानी मुसलमानों को मैं अहले फिरके की तरफ लाने लगा और जो गैर मुस्लिम हैं उनको इस्लाम की तरफ लाने लगा तो ये तो मामला चल ही रहा था मैं ऑफिस में जाता था मेरी यहाँ तक की दाढ़ी थी कोई एक स्ट्रीम में आप जी यहां तक कि मेरी दाढ़ी थी अच्छा और ऐसा था कि मैंने जब दाढ़ी रखना स्टार्ट किया वो भी दाढ़ी मैं इसलिए रखा था इसलिए इन सेंस मेरे अंदर ईमान वो तभी जागा था कि जब अच्छा। मैं बहस करने मौलानाओं के साथ जाता था दूसरे फिरके वालों के मेरे मामा जो थे मामा अभी भी तबलीगी है तो जब उनको पता चला कि मैं अहिल हो गया हूँ तो वो तो मुझे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से ये फिर से तबलीगी हो जाए तो पहले से मैं थोड़ा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा सा मतलब शार्पनेस था मेरे अंदर तो जो एरिया के जो लोग थे जो एहले हदीस मसलक से या फिर से बिलोंग करते थे वो मेरे ऊपर काफ़ी टिके हुए थे कि कोई अगर देवबंदी है कोई बरेलवी है अगर वो कहता है कि एहलेदी गलत है गैर मुखलद है गुस्ताख है तो वो मुझे लेके जाते थे बात करने के लिए डिबेट करने के लिए मुनाजरा करने के लिए तो वो भी मैं करता था तो मामा मुझे तबलीगी मस्जिदों में लेके भी जाते थे कि भाई किसी तरीके से इसका डाउट क्लियर हो जाए और ये फिर से तबलीगी बन जाए तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि मैं एरिया से थोड़ा सा दूर यानी बाइक में समझिए आप दस मिनट का रास्ता है डायमंड हाँ। बिल्डिंग है उधर अच्छा। उसके हाँ डायमंड बिल्डिंग फोर्टीन फ्लोर की या सिक्सटीन फ्लोर की बिल्डिंग है और वहाँ पे पूरे तबलीगी जमात वाले अक्सरियत में है तो उसके जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे तबलीगी मस्जिद थी और वहाँ पे जमात भी आती थी बाहर से यानी इंडोनेशिया से पकड़ लीजिए आप या गल्फ से अरब से भी जमाते आती थी तो वहाँ भी मेरे मामा जो है लेके जाते थे मुझे तो एक बार मैं वहाँ के आलिम साहब के पास मेरे मामा लेके गए और हमारी बहस शुरू हुई और मैंने काफ़ी सवालात उनके साथ किए और उन्होंने जो सवाल किए उसके मैंने जवाब दिए तो एक टाइम ऐसा आया कि वो मौलाना के पास जो है वो जवाब मेरे सवाल के नहीं थे तो वो सब एकदम मतलब थोड़े जज्बाती हो गए भड़क गए मेरे ऊपर तो उसमें एक मस्जिद के जो जिम्मेदार थे तालिब नाम है उनका वो आ, मेरे ऊपर भड़क गए और वो मेरे को बोलने लगे कि यार तुम बहुत इस्लाम की बात करते हो बहुत यानी दीन दीन करते हो तो तुमने तो दाढ़ी भी नहीं रखी है तभी मैं क्लीन शेव रहता था अच्छा। कॉलेज के टाइम पे तो वो बात मुझे बहुत चुभी कि यार तो ये तो बात सही है कि मैं दीन की दावत भी दे रहा हूँ बातें भी कर रहा हूँ और मैंने तो जो एक मेन चीज़ है जो आपका अपियरेंस है जिससे आप एक मोमिन लगते हो और लगता है कि हाँ ये मुसलमान है तो वही मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ और लोगों को दावत दे रहा हूँ मैं तो तभी वो चीज़ मुझे चुभी और मैंने फिर दाढ़ी रखना स्टार्ट किया और जो अलहदीस मसलक है या फ़िरका है उनके नज़दीक आप दाढ़ी कटवा नहीं सकते हो ओ, अच्छा हाँ आप बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं कटवा सकते क्योंकि रसुल्ला की एक हदीस है कि अपनी मूछो को पस्त करो या छोटी करो और दाढ़ी को जो है वो छोड़ दो तो इस हदीस पे अहले एहदीस फिर अमल करता है या उनके नजदीक ये सही है तो जो अहले एहले फिरके का होगा उनकी जल्दी आपको दाढ़ी वो शेप में नहीं करते हैं और पूरी बढ़ने देते जितनी बड़ी होती है बल्कि एक आ, आ, स्पीकर हमारे मस्जिद में आते थे उनकी दाढ़ी कम से कम घुटने तक है तक, हाँ, जी आप इसमें गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएगा तो मेरी अच्छा। दाढ़ी हाँ मे, मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरी दाढ़ी घुटने तक नहीं पहुंची थी लेकिन काफी घनी दाढ़ी थी मेरी और यहाँ तक तकरीबन मेरी दाढ़ी थी और कई लोग आ, आ, एरिया में मुझे देखकर फिर वो भी अच्छा। दाढ़ी बढ़ाना शुरू की दाढ़ी हाँ दाढ़ी बढ़ाना शुरू किए वो लोग